सुरेन्द्रनगर जिल्लाना खेडूतो साथे धारासभ्य ऋत्विक मकवाणानी राजकोटमां उपस्थिति। राजकोट मुकामे 22 जान्युआरी खेडूत महासंमेलनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। छेल्ली घड़ी परमिशन आपवामां आवता समग्र सौराष्ट्रना खेडूत आगेवानो पोलीस द्वारा नजरकैद करवामां आव्या हता, जेमां सौराष्ट्र ना सुरेन्द्रनगर जिल्लाना रामकुभाई करपड़ा, सायला तालुकामांथी त्रिकमभाई पटेल, रतनसिंह डूडिया, जेकी पटेल वगैरेने राजकोट जता नजरकैद करी रोकवानो निंदनीय प्रयास कर्यो, त्यारे खेडूत आगेवानो राजकोट खाते आ बाबते रजूआत करवा गया, परंतु तेमनी पण धरपकड करवामां आवी छे। खेडूत संमेलन बंद रहेवाना मेसेज करवा छता आजे सुरेन्द्रनगर जिल्लामांथी खेडूत आगेवानो राजूभाई करपड़ा, मुकेशभाई डाभी, लखतर दशुभा झाला, गणपतभाई पटेल, प्रतापभाई वाडला, चंदुभाई अशोकभाई तथा तेमनी साथे चोटीलाना धारासभ्य ऋत्विक मकवाणा सहित राजकोट मुकामे पहोंची नजरकैद करवामां आवेल आगेवानोने छूटा करवामां आवे, खेडूत संमेलनमां परमिशन आपवामां आवे तेवी रजूआत करी हती। अने खेडूतोनो अवाज दबावानो सरकार निंदनीय प्रयास करी रही छे, परंतु खेडूतो आगामी समयमां मोटुं संमेलन योजीने सरकारनी नीति सामे अजाव अवाज उठावी अने लड़त आपशे तेम तेमणे जणाव्युं हतुं। दिल्ली में चालतू आंदोलन आज 58मा दिवस में प्रवेश कर्यो छे ने 11मी बैठक चाली रही छे। किसानों पोतानी मांगने लईने अडग रह्या छे। सरकार द्वारा आज 11मी बैठक करवामां आवी रही छे, त्यारे दिल्ली में चालता आंदोलन ने गुजरातना खेडूतो पण समर्थन आपवा तैयार छे। राज्य सरकार द्वारा खेडूतोने अटकावता अने नजरकैद करवानो सिलसिलो यथावत रहेवा पाम्यो छे गुजरात में पण, त्यारे खेडूतोने समर्थन माटे पहोंची नथी शकता तेवामां राजकोट खाते 22मी जान्युआरी रोज थवा जनार महासंमेलन में गुजरातना खेडूतो पण त्यां जवाना छे अने तेमणे पण हाकल करी छे, त्यारे पूर्व धारासभ्य इंद्रनील राजगुरु द्वारा आ संमेलनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सुरेन्द्रनगर जिल्लामांथी अनेक खेडूतो आ संमेलनमां जोड़ावाना हता, परंतु आ पहेला मूड़ी तालुकामांथी खेडूत आगेवान रामकुभाई करपड़ाने नजर कैद करवामां आव्या। सरकार द्वारा संमेलनमां खेडूतो जता ने अटकाव्या, स्थानिक पोलीसी आगेवानोने नजर कैद करता खेडूतो आगेवानो रामकुभाई करपड़ा द्वारा राज्य सरकारनी नीतिनो विरोध कर्यो અને પોલીસને આગળ કરી આ સરકાર ખેડૂતોના અવાજને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। હિટલર શાહી કરતાં પણ બદતર સરકાર હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું અને કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે દિલ્હીમાં ગુજરાતના ખેડૂતો પણ સમર્થન કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે।